परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें एक व्यूअर थी जिन्होंने वो वीडियो देखी और मेरे पेज पे आई। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझसे कहा कि उनको एक टॉपिक में इशू आ रहा है, तो उनकी प्रेजेंटेशन है और उन्हें हेल्प चाहिए। तो ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपकी मेहनत को लोग देखें, सुनें, उसके बाद आपसे कांटेक्ट करें और आपको इस काबिल समझें कि हाँ यार, आप उनकी कोई मदद कर सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए, नाम मैं उनका नहीं ले रहा क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनका नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन कोहार्ट से उनका ताल्लुक है और मुझे बहुत बेहद अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे लेक्चर्स सुनती हैं और उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी। तो ये वीडियो स्पेशली मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, आप भी इससे फ़ायदा उठाएं और दूसरे लोग भी इसको शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ सैयद इस्माइल तनवीर। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के मकसद को तबाह कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स का जो मकसद होता है वो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को जानना होता है। और जब हम ये जान लेते हैं कि किस शख्स ने कैसा परफॉर्म किया है, तो फिर हम उसको उसी के मुताबिक रिवॉर्ड देते हैं। लेकिन होता क्या है, एचआर मैनेजर्स क्या करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल्स में, वो बहुत सारे एरर्स करता है। वो अपने सिस्टम जो हमने बनाया होता है कि इस सिस्टम के थ्रू अगर हम चलेंगे तो हम एक्चुअल रिजल्ट्स जो है वो ढूंढ लेंगे कि हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम हम बनाते हैं उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट उस तरीके से कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें हम खुद एचआर मैनेजर्स खुद एरर्स कर देते हैं। वो एरर्स क्या होते हैं, वो एरर्स कितने होते हैं, वो हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और डिटेल में समझाऊँगा कि वो क्या कौन सा एरर्स हैं जो मैनेजर्स करते हैं अपने परफॉर्मेंस अप्रेजल्स में। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एरर है वो है लीनियंसी एरर। तो इस लीनियंसी एरर में दो तरह के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव लीनियंसी हो सकती है और एक नेगेटिव लीनियंसी हो सकती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हो रहे होते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम उसको स्कोर दे रहे होते हैं, मार्क्स दे रहे होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल उस हमने उसका टेस्ट लिया और उसके रिज़ल्ट में उसने एक्चुअल 7 मार्क्स स्कोर किया, तो हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, 7 को 8 कर देते हैं, थोड़ी सी लीनियंसी दिखा देते हैं, वहाँ पर 8 कर देते हैं या 9 कर देते हैं, यार इतना अच्छा उसने किया है तो 1 पॉइंट बढ़ा देते हैं अपनी तरफ से। या अगर वो हमारी पसंद का नहीं है या बहुत ही ज़बरदस्त उसने टेस्ट दिया, तो हम क्या करते हैं, यार अगर वो उसने 10 पॉइंट हासिल किए हैं तो हम उसको 9 कर देते हैं। इसका एग्जांपल आपको इस तरह भी दे सकता हूँ, जितने भी हम अपने टीवी शोज़ देखते हैं आजकल, तो सिंगिंग कंपटीशन या डांस कंपटीशन चल रहा है, उसमें जो जजेस होते हैं वो स्कोर क्या करते हैं, अगर किसी ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग सिंगिंग की होती है या डांस किया होता है फिर भी उसको 9 देते हैं। हम बोलते हैं यार इसको तो 10 में से 10 मार्क्स मिलने चाहिए थे, 9 क्यों दिए, तो वो कोई ना कोई काट लेते हैं। या अगर कोई गलती कर देता है, गाने के बीच में रुक जाता है, वो मिस्टेक्स करता है काफ़ी, फिर भी उसका नंबर पूरा दे देता है, तो वहाँ क्या करते हैं वो जजेस, थोड़ी सी लीनियंसी दिखाता है। चलो वहाँ तो खैर चल जाएगा, लेकिन अगर आप एचआर मैनेजर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, वहाँ ये लीनियंसी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं चलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा एरर है, तो ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। इसका जो दूसरा एरर है उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है हैलो एरर। इस एरर में क्या होता है, जो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल का जब हो रही होती है, जो मैनेजर्स होते हैं उसमें स्कोर ये देख के देते हैं कि इस ये अच्छा परफॉर्मर रहा है, इसमें अच्छी परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी रही है या ये बुरा ही परफॉर्म कर रहा है, तो हम उसमें अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कैसा परफॉर्मर रहा है, उस हिसाब से हम उसको मार्किंग देते हैं। या अगर कोई अच्छा
काम करता है तो ये सारे एरियाज़ में अच्छा काम करता होगा फिर, तो उसको उस हिसाब से नंबर दे देते हैं। या अगर कोई बुरा परफॉर्मर है तो उसको बाकी जगहों पर भी एवरेज या लो नंबर्स देते हैं, लो मार्क्स देते हैं कि नहीं यार ये तो बंदा ही हल्का है। एग्जांपल इसकी ये देता हूँ कि जितने भी हम मोबाइल यूज़ करते हैं, हर मोबाइल की अलग अलग क्वालिटी होती है। किसी का कैमरा अच्छा होता है, किसी की रैम ज़्यादा होती है, किसी की इंटरनल मेमोरी ज़्यादा होती है, किसी की बैटरी अच्छी होती है, लेकिन हर मोबाइल में सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती। या ज़रूरी नहीं है कि अगर एक मोबाइल के अंदर वो क्वालिटी अच्छी नहीं है जो आपको पसंद है, लेकिन उसके अंदर कोई और क्वालिटी है, तो जब आप उस क्वालिटी के मार्क्स दे रहे हो उसे, तो उस क्वालिटी के मार्क्स उस क्वालिटी के हिसाब से देना आप। यानी कि लो मार्क्स वाली कैटेगरी के मार्क्स आप उसको उस कैटेगरी में भी लो ही मार्क्स दे रहे हैं जहाँ पे वो अच्छा परफॉर्मर है या जहाँ वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो हालो एरर में हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग प्रीवियस परफॉर्मेंस देखते हैं या उस शख्स को देखते हैं कि वो अच्छा परफॉर्मर है या नहीं है। स्टूडेंट्स भी अच्छे होते हैं, अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है वो इकोनॉमिक्स में भी अच्छा हो, या केमिस्ट्री में अच्छा हो, या बायोलॉजी में अच्छा हो, या अकाउंटिंग में अच्छा हो, या इंग्लिश में अच्छा हो। हर सब्जेक्ट के मार्क्स अलग अलग क्यों आते हैं हम लोगों के, सबके सेम मार्क्स क्यों नहीं आते, क्योंकि सबके अलग अलग एक क्वालिटी होती है, अलग अलग सेंस होता है, अलग अलग प्रेजेंटेशन देने के तरीके होते हैं सबके, इसीलिए सारे सब्जेक्ट के मार्क हर शख्स के अलग अलग आते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एचआर मैनेजर्स सेम मार्क्स दे देते हैं, अगर कोई अच्छा परफॉर्मर है तो अच्छे मार्क्स दे देते हैं, अगर वो नहीं है अच्छा तो उस हिसाब से देते हैं। तो हमने ये नहीं करना, हमने हर कैटेगरी में जाके हर उसके स्किल को देखना है कि वो कहाँ कहाँ परफॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से है जब हम उसको मार्क्स देंगे तो उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल उसके हिसाब से आने चाहिए, वरना ये एरर आ जाएगा और फिर हम एक्चुअल रिजल्ट नहीं हासिल कर सकते। इनसफिशिएंट लिसनिंग, इस एरर में क्या होता है कि जो इंटरव्यू ले रहा होता है, यानी कि आपके पास कोई शख्स आया इंटरव्यू के लिए, आपने क्या किया, बहुत तैयारी करके आया हो, आपने क्या किया, सवाल किए, उसका पूरा जवाब ही नहीं लिया उससे, वो बोल रहा था आपने दूसरा सवाल करना शुरू कर दिया, या आपने उसकी पूरी बात ही नहीं सुनी, या आपने रेलिवेंट सवाल ही नहीं किया उससे। कभी कभार ऐसा होता है, एग्जांपल इसका यह है, कभी कभार आप जाते हैं एग्ज़ाम्स की तैयारी करके, फुल तैयार खुश होते हैं यार, वो तारे ज़मीन पर जो फिल्म आई थी उसमें, वो कहता है यार तैयारी कैसे है, वो कहता है बिंदास। वो तैयारी करके आप जाते हैं और जब आप बैठते हैं देखते हैं यार ये तो वो सवाल ही नहीं है जो हमें पढ़ाया था, या जिसकी तैयारी मैंने की थी, या जो चीज़ मुझे आती है, या जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया है वो सारे काम तो मुझे आते हैं, लेकिन मुझसे तो वो चीज़ पूछी ही नहीं, या अगर पूछी तो मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। एक अच्छा शख्स यानी एक अच्छा मैनेजर आपकी आपको सुने ही नहीं, आपकी आधी बात सुने, या वो चीज़ आपके अंदर से निकाल ही ना पाए जो चीज़ मुझे चाहिए, तो मैं कैसे समझ लूँ कि आप इस काबिल हैं इस जॉब के या नहीं हैं, आपने अच्छा काम किया है या नहीं है। तो एक एचआर मैनेजर को अपने जहन में ये बात रखनी चाहिए कि आपने उसको तफसील से सुनना है, पहले तो आपने उसको टाइम देना है। असल में एचआर के जितने भी फंक्शंस हैं उसमें आपने शॉर्टकट करना ही नहीं है, आपने शॉर्टकट मारना ही नहीं है उसमें, बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड एक सब्जेक्ट है जिसमें आपने बहुत ही टाइम देना है, बहुत ही तफसील से उसको देखना है, जानना है, तभी आप एक्चुअल रिज़ल्ट उससे ले सकते हैं। एचआर को आप कोई मजाक नहीं समझें या कोई हल्की बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है यहाँ पर, तभी हम वो रिज़ल्ट ले सकते हैं जो हमें चाहिए। तो इनसफिशिएंट लिसनिंग एक ऐसा एरर है जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में बहुत अहमियत रखता है।